travel is the only thing you buy that makes you richer. So hello everyone, welcome back to yet another video. अगर आप पहले वाला एपिसोड देख चुके हैं तो यू नो कि आई एम गोइंग टूवर्ड्स नॉर्थ सिक्किम टुडे एंड इफ़ यू हैव नॉट सीन द प्रीवियस वीडियो येट वो ऊपर आपको कार्ड्स में और नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो चेक कर लीजिए. और वी आर पिकिंग अप, आई वॉज द फर्स्ट पिकअप फॉर टुडे एंड वी आर पिकिंग अप अदर पीपल एंड देन विल हेड टूवर्ड्स नॉर्थ सिक्किम. स्टे ट्यून्ड एंड कीप एंजॉइंग. आप लोगों को तो याद ही होगा कि वेल एटलीस्ट जिन लोगों ने पिछला वाला एपिसोड देख चुके हैं उन्हें तो पता ही होगा कि सिलीगुड़ी से गैंगटॉक आते वक्त मैं बादल को, ठंडी हवा को और खूबसूरत मौसम को कितना एंजॉय कर रही थी. अब और क्या, यही था उसके आगे. वो बादल ऐसी बारिश लेके आया ना कि वो दूसरे दिन भी रुकने का नाम नहीं ले रही थी और उसी को साथ लेके हम लोग चल पड़े नॉर्थ सिक्किम की ओर. सिक्किम में ट्रैवल करना बाकी शहरों में ट्रैवल करने की तरह नहीं है, तो यहाँ पे अगर सोलो प्लान भी करते हैं तो खुद से ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते हैं क्योंकि यहाँ पे स्टेट बसेस, शेयर्ड कैब्स वो ज़्यादा नहीं चलते हैं. तो जैसा कि मैं इस बार नॉर्थ सिक्किम जा रही थी, यहाँ पे सिर्फ एक ही SNT का बस चलती है मनगन या चुंगथांग तक. उससे आगे कहीं भी जाने के लिए प्राइवेट कार्स ही लेना होता है और अकेले एक जन या दो जन लेने से कॉस्ट बहुत बढ़ जाता है, तो इसलिए ये सारे ट्रिप्स शेयरिंग में होते हैं और गैंगटॉक से शुरू होते हैं ट्रिप और गैंगटॉक पे ही ख़त्म होते हैं. वैसे तो यहाँ पे 90% ऑफ द होटल्स और ड्राइवर्स और इन ट्रैवल एजेंसी कोई भी आपका बुकिंग करवा सकता है नॉर्थ सिक्किम के शेयरिंग ट्रिप का. और मैं ये ट्रिप बुक की थी वंडरहिल इनके साथ, जिनका एकोमोडेशन स्टाइल मुझे बहुत अच्छी लगी. इस होमस्टे के बारे में डिटेल्स में मैं आगे इस वीडियो में बताने वाली हूँ. और हमारा सफ़र शुरू हुआ एक 8-सीटर ज़ाइलो में, जिसमें मैं ये ट्रिप शेयर कर रही थी 5 और अडल्ट और एक छोटी सी बच्ची के साथ. हमारे साथ हमारे ड्राइवर है एंड वी हैव अ टीम फ्रॉम बंगाल. हाय. तो आज का फर्स्ट स्टॉप में हम रुके हैं जो कि है 7 Sisters Falls. अब 7 Sisters Falls के नाम पे तो मुझे सिर्फ मेघालय चेरापूंजी की 7 Sisters Falls ही पता थी, पर यह सिक्किम में भी एक 7 Sisters Falls है जो कि गैंगटॉक से नॉर्थ सिक्किम जाते वक्त मिलती है. और दोनों में कोई कंपैरिजन हो नहीं सकती है क्योंकि दोनों ही अपनी अपनी जगह बहुत ही ब्यूटीफुल है. फॉल्स किस फोर्स से आ रहा है? अभी देखिए, जस्ट नजारा देखिए यार. ये है ऑपोजिट साइड से व्यू इसका, यू कैन सी दैट ये और भी ऊपर से आ रहा है फॉल्स. ऑपोजिट में काफी ऊपर तक स्टेयर्स बने हैं जिसको क्लाइम करके आप झरने की मजा ले सकते हैं. ये देखिए ट्रेडिशनल सिक्किमीज आउटफिट में हम भी पहनते थे जब छोटे थे, बचपन में हम भी पहने हैं ये सब. चलो जल्दी करो. ये ट्रेडिशनल ड्रेस का मतलब कितना कितना प्राइस होता है? फोटो मिला के उस टाइम पे नवरात्रि या दुर्गा पूजा चल रही थी और उस दिन नवमी थी, तो दुर्गा माता की एक मंदिर पे पूजा चल रही थी और मंदिर के कुछ लोग रास्तों पे गाड़ियों को रोक के लोगों को प्रसाद बांट रहे थे और टीका लगा रहे थे. और एक पल के लिए मुझे अपने शहर कोलकाता की याद दिला दी. मैं सोचने लगी कि अपने घर में तब क्या हो रही होगी, बट ऑल्सो किसी दूसरे कल्चर में दूसरे स्टाइल में दुर्गा पूजा सेलिब्रेट हो रही थी, ये देख के भी मुझे बहुत अच्छी लगी. Who saw me before I knew who I'd be. What I have around me means nothing to me.
यह है मनगन। नॉर्थ सिक्किम जाते वक्त लास्ट पेट्रोल पंप यहीं पे है, तो पूरा दिन यहाँ पे बाइकर्स और फोर व्हीलर्स का भीड़ लगा रहता है। हमें भी लाइन में लगना पड़ा और काफी वेट करना पड़ा। इनफैक्ट यहाँ पे सिर्फ पेट्रोल भरने ही रहे लोग, साथ में कंटेनर में लेके भी जा रहे हैं क्योंकि उसके बाद तो है नहीं पेट्रोल पंप। तो एनीवे हमारा टर्न आया अभी। मनगन क्रॉस करके पक्सक बोल के एक जगह पे रुके लंच के लिए। ये है लंच हॉल, एक होटल। तो देख लेते हैं अभी लंच में क्या है। राइस, दाल, सैलड, आलू फ्राई एंड पापड़। वेज के लिए तो ये है, नॉन वेज में चिकन है। जो लोग नॉन वेज ले रहे हैं उनके लिए चिकन है। सेल्फ सर्व बेसिस में ही है सब। पक्सक पे हम ये एस खंडू बोल के एक होटल पे रुके थे लंच के लिए। खाना तो हो चुका है, अभी देखते हैं हमारा नेक्स्ट स्टॉप कौन सा है। इस रूट पे और भी कई वाटरफॉल्स हैं जो यूजुअली टूरिस्ट को दिखाया जाता है, पर हम लोग ऑलरेडी रास्ते में इतने सारे नेचुरल और अननेम्ड वाटरफॉल्स देख रहे थे तो हम बाकी कोई और फॉल्स विजिट नहीं किए। अब बारिश हो रही थी इतना तो पहाड़ों के ऐसे फॉल्स तो अच्छी लगनी थी, पर एक्सपेक्ट तो ये नहीं कर रहे थे अक्टूबर के फर्स्ट वीक में, तो कुछ और ही एक्सपेक्ट कर रहे थे। पर खैर, जो था उसी को एंजॉय कर रहे थे। नॉर्थ सिक्किम का चेक पॉइंट था, यही तो मेन है। यह नॉर्थ सिक्किम का मेन चेक पॉइंट जहाँ से परमिट करवाना होता है, और ड्राइवर्स के पास तो टूरिस्ट के डॉक्यूमेंट्स होते ही है तो वो लोग ही करवा देते हैं। तो बारिश हो रही है और ये चेक पॉइंट में बहुत टाइम लग गया है। और अब यहाँ से हमारा एंट्री हो गया नॉर्थ सिक्किम में। और बस अंधेरा होने से पहले नॉर्थ सिक्किम के रास्तों के मजा लेते हुए चुंगथांग और कुछ मेन टाउन्स क्रॉस करते हुए हम लोग चले लाचुंग की ओर। यस, नॉर्थ सिक्किम के पैकेजेस में डे वन का स्टे यूजुअली लाचन में होता है, पर हमें लाचन में होटल नहीं मिली उस दिन क्योंकि दुर्गा पूजा के टाइम पे ऐसे ही रश होता है और प्री बुक करने पर भी ठीक से जगह नहीं मिलता है कभी कभी। तो इन दैट केस हमारा स्टे फर्स्ट डे लाचन में नहीं, लाचुंग में हुआ। और लाचुंग पहुंचते पहुंचते तो अंधेरा हो ही गया, और अंधेरे में ये बीच रास्ते में वाटरफॉल्स कैसा लगता है आपको, सुंदर या डरावना, कमेंट्स में बताना जरूर। तो ये है हमारा होटल लाचुंग में, फाइनली पहुंचे यहाँ पे 6:30 और ऑलमोस्ट इट्स 6:30 इन द इवनिंग एंड इट्स कंप्लीट डार्कनेस ओवर हियर। अभी भी बारिश चल रही है तो देखते हैं। वंडर हिल इन, अभी एक बार अपना डॉम किस तरफ है वो दिखा देते हैं और यहाँ का नज़ारा कैसा है वो भी दिखा देते हैं। एक्चुअली यहाँ से तो अभी नज़ारा नहीं दिखने वाला है, वो कल सुबह दिखाएंगे हम। साफ बहुत अच्छा व्यू आता है यहाँ से। और हमारा डॉम ये वाला है, दिस इज़ द डॉम, आई विल शो यू दैट लेटर वंस आई सेटल एंड ऑल। और ये है इनका
डाइनिंग एरिया, मेन डाइनिंग एरिया एंड किचन एरिया। होमस्टे पहुंचते ही हमें गर्मा गर्म चाय परोसा गया। ऑलमोस्ट 9000 फीट के हाइट में बढ़िया सा एक ब्लैक टी में चुस्के लगाते हुए आई वॉज वार्मिंग माई सेल्फ अप। मुझे ये बड़ा अच्छा लगा ये कोट, ट्रैवल इज द ओनली थिंग यू बाय दैट मेक्स यू रिचर। आई टोटली अग्री विद दिस, रिचर नॉट बाय मनी बट बाय ऑल अदर सेंस, वैल्यू, थॉट्स, पर्सपेक्टिव, एवरीथिंग। तो आई हैव सेटल्ड इनसाइड माय डॉर्म नाउ and I'll be showing you my dorm in Lachung. This is also the first dorm type accommodation in Lachung, kyunki Lachung mein double triple quad sharing mein to rooms milte hai, but dorm type accommodation yahan pe Lachung mein ye first hai. I'll just show you the room and show you the facilities out here. Ye hai 4-bedded dorm, it's cozy and cute, sundar hai. यहाँ पे भी कुछ कोट्स एंड ऑल, दिस वन रिमेन्स माई फेवरेट। यहाँ पे वॉशरूम के पास में देयर इज अ स्लीपर, मींस आई कैन यूज दिस इनसाइड द रूम। वॉशरूम भी देख लीजिए, वेरी गुड एक्चुअली। यहाँ पे फीमेल डॉम्स तो नहीं है, मिक्स्ड ही है जो भी है, बट ये लोग कोशिश करते हैं फिर भी फीमेल्स को अलग से एक डॉम में रखने के लिए। यहाँ पे ऐसा हुआ है अभी कि फीमेल्स तो, बाकी फीमेल्स तो यहाँ पे कोई नहीं है इस डॉम में, मैं एक्चुअली अकेली ही रह रही हूँ। आई एम नॉट शेयरिंग दिस डॉम विथ एनीबडी टुडे, मतलब दिस इज़ ऑल माइन फॉर टुडे। डॉम्स ऐसे भी होता है, इतना खाली होता है, ये भी फर्स्ट टाइम ही देख रहे हैं। ये सारे मतलब ट्रिपल और क्वाड शेयरिंग ऑक्यूपेंसी वाला रूम्स है, नीचे डॉम्स हैं नीचे। यहाँ पे डॉर्म, दो ही डॉर्म है, एक तो है ये वाला, अब मेरा वाला वो तो हमने दिखा दिया है, और हमने पहले जो दिखाए थे ये वाला डॉर्म, इसमें आई हैड टू शेयर विथ वन मेल, उन्होंने मुझे एक एकदम खाली डॉर्म दे दिया है जिसमें मैं अकेली रहूँगी। यहाँ पे तो बहुत लोग नॉर्थ सिक्किम का टूर करवाते हैं, पर मैं यहाँ पे वंडर हिल इनके साथ ये पैकेज बुक की। इसका रीज़न सिर्फ एक ही है, व्हाई आई हैव बुक्ड इट विद देम, वंडर हिल इन। इन लोगों का डॉर्म सिस्टम मुझे बड़ा अच्छा लगा, क्योंकि मैं एक सोलो ट्रैवलर हूँ, आई विल ऑलवेज प्रेफर दैट, दैट इंटरेस्टेड मी द मोस्ट। बाकी लोग तो ये अकोमोडेशन अरेंजमेंट प्रोवाइड नहीं करेंगे। हमारे साथ जो एक फैमिली आए हैं यहाँ पे फ्रॉम कोलकाता, वो लोग तो कोट शेयरिंग और ट्रिपल शेयरिंग में रूम लिए, तो उन लोगों के रूम्स भी एक बार दिखा देते हैं आपको। ये है यहाँ का ट्रिपल शेयरिंग रूम, विच इज़ बेस्ट फॉर फैमिलीज। दिस होमस्टे ऑल्सो हैज़ अ कैफे, मोक्ष कैफे, जो ऊपर है वहीं पे जा रहे हैं हम अभी। लेट्स चेक आउट द कैफे। या इट्स रेनिंग, हेंस इट्स लिटिल डिफिकल्ट। कैफ़े का नाम सुनते ही मुझे पता है आप क्या सोच रहे थे, मैं भी वही सोच रही थी। पर यूजुअली हॉस्टल्स में हम जिस तरह के कैफ़ेज़ देखते हैं, वैसा कैफ़ेज़ या नॉर्थ सिक्किम में देखना इज़ नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल, क्योंकि यहाँ पे अभी भी हॉस्टल्स और कैफ़े कल्चर उतना फ्लरिश नहीं हुआ है, और इसलिए यहाँ रूफ टॉप में एक कोजी सेटअप में कुछ सीटिंग अरेंजमेंट के साथ, सिंपल डेकोर के साथ अगर आपको एक कैफ़े सेटअप मिल जाता है तो वो बहुत है, टू हैव अ लवली कन्वर्सेशन ओवर अ ग्रेट फूड। क्योंकि भाई साहब खाने के मामले में तो ये लोग बाकी कैफ़ेज़ को पीछे छोड़ देंगे, इतना अच्छा है यहाँ का खाना। देख रहे हैं कैसे लाइट्स डिस्को लाइट्स बन गए, मतलब ये तो नॉर्मल है। और यहाँ पे बैठ के आप आराम से चिल आउट कर सकते हैं, फूड एंजॉय कर सकते हैं अपना, जो मैं अभी बारिश में बैठ के थोड़ी देर करने वाली हूँ, ओनली बिकॉज देर इज़ अ शेड ओवर हियर ऑन टॉप, तो इसलिए मैं बैठ पा रही हूँ यहाँ पे। देखते हैं कुछ खाना वाना मंगवाते हैं। बेसिकली यहाँ का जो फूड प्लान है, मील प्लान है, वो तो होम स्टे में जैसा होता है, लाइक ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वो तो एक फिक्स्ड मेन्यू रहता है, तो वैसा ही है यहाँ पे। और अलग से मोक्ष कैफ़े का यहाँ का अलग मेन्यू है, उसका मेन्यू एंड प्राइस मैं रूम में जाके दिखाती हूँ आपको। यहाँ पर ऐसा हुआ कि हम शाम को चाय के अलावा तो कुछ खाए नहीं थे, तो बहुत ज़्यादा भूख लग गई थी, बट डिनर में अभी भी टाइम है, अभी 9 बजे है और 10:30 को डिनर करना है। मुझे कुछ तो खाना था, पर इन लोग का जो कैफ़े का जो मेन्यू है वो उससे मतलब एक प्लेट फुल प्लेट अगर ऑर्डर करती तो बहुत हैवी हो जाता। वैसे तो ऑप्शंस कुछ नहीं है फुल और हाफ़,
बट हम उन लोगों को रिक्वेस्ट किए कि हाफ प्लेट अगर हो सकता है तो वो बनाने के लिए. एंड हियर इट इज, आई हैव ऑर्डर्ड फॉर पिंक पेपर चिली चिकन एंड दिस इज हाउ इट लुक्स, पिंक पेपर चिली चिकन. This is actually very nice. अच्छे restaurants में जैसे बनते हैं वैसे ही है एकदम. ये है normal जो meal plan है यहाँ पर, वो दिया हुआ है. मोक्ष का basically ये options है ये वाला, तो you can order anything from here. Prices and all you can just check out. जैसे like normally cafes में होते हैं वैसे ही है. एज इन यहाँ पे चिकन 65, चिकन टिक्का, चिकन विंग्स, पॉर्क में भी है, देन शेजवान चिकन एंड ऑल. बहुत सारे ऑप्शंस है फॉर स्टार्टर्स. और कॉन्टिनेंटल भी है यहाँ पे, पास्ता में इंडियन अलग से है, चाइनीज़ है. ब्रेकफास्ट में मैगी, चीज़ मैगी, एग, चिकन चीज़ मैगी, कचौड़ी, आलू पराठा, सनी साइड अप, सब कुछ मिल जाता है. अच्छा, यहाँ के जो ओनर्स है वो बंगाली है और कोलकाता से ही है, बट ओनर्स अभी यहाँ पे प्रेजेंट नहीं है. यहाँ पे अभी यहाँ के हेड शेफ और जो मैनेजर है वो प्रेजेंट है. चलिए उनसे मिलवाते हैं एक बार. ही इज़ सागर एंड ही इज़ द हेड शेफ एंड मैनेजर ऑफ वॉन्डर हिल इन. तो ये कब से चालू हुआ है? ये बेसिकली अभी कुछ 1.5 साल हुआ है ये होम स्टे का. तो लाइक as we are doing well like yeah tab se ye holy seeing growth right? Yes, we are seeing growth and acha lagta hai guests jab acha baat bolte hai, acha reviews dete hai to logo bhi acha lagta hai. And most of the guests wo log ka yahi kehna hai ki yahan ka view bahut acha hai, yahan ka khana bahut acha hai, accommodation bahut acha hai, to like ha acha lagta hai ye sab sunne ke. हाँ, डेफिनेटली विद दिस काइंड ऑफ अ व्यू एंड रियली द फूड इज अमेजिंग ओवर हियर. अभी तो डिनर भी करने वाले हैं. जी, अभी बस नाम का डिनर बाकी है तो. हाँ, तो देखते हैं डिनर में क्या है वो भी. तो बढ़िया ही होगा आई गेस. चलिए, अभी इट्स 10:30 एक्चुअली. कल सुबह जल्दी उठना भी है. तो यहाँ पे अभी हमें राजमा मसाला मिला है. राजमा मसाला राइस, हमने राइस बोला इसलिए. रोटी का भी ऑप्शन है यहाँ पे. और पनीर का एक प्रिपरेशन है विच इज़ क्वाइट सिमिलर टू लाइक पनीर बटर मसाला. चटनी है, होममेड गुलाब जामुन है तो यहाँ पे बनाया हुआ है. तो लेट्स टेस्ट दिस. Amazing. Food quality is actually nice, unique because ऐसा generally homestays में नहीं मिलता है. Very honestly, enjoying this. And by saying ऐसा खाना usually homestays में नहीं मिलता है, I meant that homestays में usually local, simple और homely food मिलता है. और सिक्किम साइड में तो मील्स में दाल, सब्जी, फ्राइज, चिकन करी ये सब भी मिलता है. बट द काइंड ऑफ मील दे सर्व यू इज टोटली आउट ऑफ द बॉक्स, क्योंकि इतना अच्छा रेस्टोरेंट स्टाइल खाना अगर होमस्टेज में मिल जाता है तो वो भी कभी कभी दिल खुश कर देते हैं. तो एक लाजवाब सा डिनर एंजॉय करते हुए, वहाँ के होस्ट और हेड शेफ के साथ बातें करते हुए, मैंने रैप अप की अपना पहला दिन नॉर्थ सिक्किम में. गुड मॉर्निंग फ्रॉम लाचुंग. तो कल रात को जो व्यू हम आपको दिखा नहीं पाए थे यहाँ से वॉन्डर हिल इन से, तो दिस इज़ द व्यू फ्रॉम वॉन्डर हिल इन एंड जिसके वजह से ये सबसे ज़्यादा फेमस है होम स्टे. व्यू के लिए और ऑब्वियसली फूड, हॉस्पिटैलिटी एंड यूनिक अकोमोडेशन स्टाइल, all these makes Wonder Hill Inn a unique and a pleasant stay. In fact, I would say that families ke liye to bahut sare options hai, but for solo backpackers this is the best I guess in Lachung. How amazing is this? Pura valley ka view hai yahan se. Aur niche dekhiye kitne sare phool hai.
सो नाउ इट्स 6:30 इन द मॉर्निंग एंड आज हम लोग 0.10 युमथांग जाने वाले हैं. तो आई जस्ट गेट रेडी इन सम टाइम. सो टू एंजॉय युमथांग एंड 0.10 स्टे ट्यून्ड टू माय नेक्स्ट व्लॉग. मिलते हैं अगले व्लॉग में. तब तक के लिए बी हेल्दी, बी हैप्पी एंड कीप फॉलोइंग योर ड्रीम्स.